कि आज का दौर है ना जी, ये सिर्फ है लोमड़ी वाला जी, चतुर चालाक जी, इसके सिवा कुछ नहीं, इसके सिवा कुछ भी नहीं। लेकिन इनका कहना तो जी, हाँ जी जी, जी। रही बात शिक्षा की जी, शिक्षा नाम पर जीरो है जी, क्योंकि पढ़ाया लिखा वर्ग होकर के भी जी, और बेकूफों बात करते हैं जी, जो करना अनुपोज कर दिया और जी अनुपोज करो, बिल्कुल सही है तो जी जी, लेकिन नहीं यहाँ पर सब चश्मे लगा जाते हैं लोग जी, चश्मा चढ़ाया जी छुट्टी जी जी, क्योंकि आपके हाथ में जल है। अगर अगर ये पढ़े लिखे हैं ना तो बेकूमत बनो, बेकूमत बनो, सही बात है। मतलब जनता अगर से अपील है, हाँ, कुछ करना है हाँ, तो अनपोज करके दिखाओ, अनपोज करके दिखाओ, नहीं तो बहिष्कार करो, बस ये बिल्कुल सही ये है। जो स्कूल खोल रखे ना प्राइवेट है जी, ये धंधा धंधा है, ओनली धंधा सिर्फ जी जी, शिक्षा को खराब करना। आपके गांव में, आपके गांव में जैसे कि सुरेंद्र जी आए हैं, तो इनके बारे में क्या विचार है? मेरा मतलब ये है कि कोई आओ, सुरेंद्र आओ और कोई आओ जी, सबका स्वागत है जी, लेकिन जो करना है ना हाँ, वो करने वाला करता नहीं, करता नहीं, और करता वो दिखाता नहीं, दिखाता नहीं, जो करेगा वो बिना कहीं करेगा, बिना कहीं करके जाएगा, भाषण मत करो, बिल्कुल करना करके दिखाओ, सीधी बिल्कुल सही बात है। तो ये आपका शुभ नाम क्या बताया? नरेश नाम है। नरेश जी भाड़ा से, इनके विचार थे बहुत अच्छा था, और इन्होंने शायद इसलिए सच बोला कि इनके हाथ में जल, गंगा जल है, बिल्कुल गंगा जल है जी, और बिल्कुल प्योर बोला है कि भाई अगर चुनना है तो अनपोज चुन के दिखाइएगा, और एक उंगली रख दीजिए कि भाई हमें ये मंजूर है, ये व्यक्ति मंजूर है। तो ये कह रहा हूँ जो इतनी साल से लोग पढ़ लिख करके दिखा रहे, बोला पढ़ गए हम विद्वान हो गए, नहीं कुछ नहीं जी जी, सिर्फ अपना परिवार हाँ, और अपना मतलब, अपना मोदी मतलब। जी मतलब राजनेताओं से यही मतलब है, राजनेताओं आज ही आज गांव दी गए सबको हाँ, इतनी साल से दिखा किसी को हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था थोड़ी देर पहले कि भाई 5 साल तक कहाँ चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जी, बीच में काफी टाइम गया है हाँ, आता है कोई चाल के, कोई नहीं आता है, बिल्कुल बिल्कुल, सबको अपना मतलब है, ओनली सर्विस अपना मतलब है, इसलिए मैं हाथ जोड़ के ये कहता हूँ कि करना है तो अनपोज कर दिखाओ, अनपोज है तो, और उसके बाद में जो भी अनपोज को, अनपोजी जिसको दी जाती है उसके बाद में उस व्यक्ति को बिल्कुल यहाँ 15 गाँव के अंदर या जहाँ भी होना चाहिए, उनकी कम से कम एक महीने में एक मीटिंग दुआ होनी चाहिए, एक मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन एक भी नहीं होती कभी भी, बिल्कुल सही बात है, एक भी नहीं होती कभी भी। एक बार हमारे साथ में सुरेंद्र जी जुड़े हैं, एक बार इनसे, एक बार भाई साहब नरेश जी की बात बहुत अच्छी लगी, ये मेरे क्लास फेलो है जी, बिल्कुल मैं जानता हूँ चित्र से, और साथ में रहे पढ़े में जी जी सुरेंद्र पवन जी की, नरेश जी की बात बहुत अच्छी लगी, और सर के जो बड़े भाई थे वो मेरे टीचर भी रहे, और दूसरा मैं ये बता दूं, इन्होंने जो बोला कि मीटिंग का, मैं 15 गाँव की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाऊंगा यदि जीत के आया तो, ये शिकायत नहीं नरेश जी को आपको, और उसका मेरी शिकायत ये नरेश जी रहेंगे, मेरी शिकायत यही है, जब गांव से ये हालात है कि मन मोटाव पैदा कर देते हैं वोटों के लिए, परिवार को भिड़ा देते हैं आपस में हाँ। ये नहीं होना चाहिए, देखो ये चीज तो, देखो चीज सच्चाई सही है, वोटर होता है वो परेशान हो जाता है, और क्या होता है जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं वो एक रहते हैं, लेकिन वोटर परेशान हो जाता है। चार सरपंच गांव में खड़े हैं तो सभी के साथ परिवार सहमत होते हैं, सभी का सहमत होता है, अब किसको नाराज करें किसको नहीं करें, अगर गांव सहमत करके एक आदमी छोड़ता है तो 20 लाख रुपए का चारा बना रहेगा, 20 लाख सरकार देगी। इसी बात में मैं आपको बताना चाहूंगा, हुआ है उस चुनाव की कहानी अलग है, एक अनपोज सरपंच बना दिया गया, तो उसने बोला कि भाई अगर मेरे को अनपोज गांव ने बनाया है तो मंदिर के साथ में करीबन 2.5 कनाल के करीब जमीन थी, उसने बोले मैं इसको दान देता हूं मंदिर में, कुछ भी करो, और जैसे उसने दान दिया तो वहां पे 11 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, लोगों ने दे दिए, और बोले जी मेरे को 11 लाख भी नहीं चाहिए, इस जमीन के अंदर मंदिर बनाओ, कुछ भी करो, धर्म के अंदर लगाओ। और सर जी एक बात हो रहा है हाँ, हमारे सनातन ये सही होता है, हमारे सनातन धर्म में दारू को निषेध माना गया है जी, लेकिन आज ऐसे बढ़ते थे दूध बढ़ रहे हो हाँ, सही बात है। तो अब हमारे जो युवा बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल सही बात है, में जाएंगे जी। क्या कहना चाहेंगे? मैं नरेश भाई को बता दूं जी, इन 8 पार्षदों में से जो लड़ रहे हैं जी, मेरा यदि कहीं भी ये सिद्ध कर देते हैं कि भाई सुरेंद्र भाई ने यदि वाइन या बाटी है, भाई साहब नहीं, मैं भाई साहब नाम नहीं ले रहे, तो मैं आज ही अपना विड्रॉल कर लूंगा। आप क्या रहेगा ये प्रक्रिया? बिल्कुल नहीं होगी जी, मेरे पास बहुत से लोगों के फोन आते हैं जी, जी खाने पीने का, मतलब यदि मेरे पास खाना पीना ही होता तो मैं इस चीज में आता ही नहीं, आता ही नहीं, सही बात। मेरा कहने का मतलब ये है कि लोगों को जगाओ, शिक्षित करो, इससे दूर जाओ, अरे पीने के लिए दूध पियो, सही बिल्कुल, दही पियो, बिल्कुल फल खाओ जी, लेकिन ऐसा गंदा माहौल बना दिया इस संसार के अंदर, बस पूछो मत। और एक चीज बताना चाहेंगे दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के बच्चे हैं, 15 साल के बच्चे हैं, उनको काफी सारे ऐसे गलत लोग हैं जो उनको पिला रहे हैं और उनका मार्गदर्शन भटका रहे हैं,
अब वो फ्री की पिला देंगे, 10 दिन 5 दिन पिला देंगे, उसके बाद में 5 साल तक भविष्य खराब हो जाता है। तो ये चीज विशेषकर ध्यान रखनी है, उन लोगों को उन लोगों से बचाना है जो इस तरह की प्रवृत्ति के हैं, इस तरह की जो हाथ जोड़ के ये विनती है जी, जिला पार्षद जो भी गण है उनको सबके हाथ जोड़ के विनती यही करता हूँ कि इस नशे को रोका जाए, बिल्कुल सर, बच्चों को लाइन पे ले जाए जी जी। और ये चाहे किसी भी कैटेगरी के लिए चुनाव लड़ रहा हो, चाहे वो पंच के लिए लड़ रहा हो, सरपंच के लिए हो, कोई भी हो, सबके लिए बात बराबर है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जी, आपने जो जेन्युइन बातें की है वही की है, बहुत अच्छी लगी जी आपकी। तो सुरेंद्र जी, जैसे कि आपने सुना ही होगा अभी नरेश जी ने जो बताया, आपका क्या विचार? नहीं, नरेश जी के विचार बड़े उत्तम है जी, और रियली मैं भी यही चाह रहा था कि मैंने तो जो आपके 8 के 8 प्रत्याशी है उनको इनवाइट भी किया था कि हम सारे एक मंच पे इकट्ठा हो जाते हैं जी, जनता को बुला लेते हैं जी, और जिसके बेस्ट विचार लगे उसको अनपोज बना दे। नरेश भाई की बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और जो भी प्रत्याशी मैं सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन छोटे छोटे बच्चों में व्यसन ना फैलाएं, क्योंकि वो भविष्य, मैंने अभी आपको बताया था कि एक अध्यापक की गलती पूरे राष्ट्र को बर्बाद कर देती है। तो यदि मेरा ऐसा कोई कृत्य मिलता है तो मैं उसी दिन हाथ जोड़ के अपने वापसी ले लूंगा, मैं ना इन चीजों के पक्ष में हूँ और ना कभी लाइफ में रहूंगा जी। धन्यवाद जी। और जैसा कि आपको आपने पूरा देखा, हमने गांव वालों के कुछ विचार भी आपके सामने रखवाए हैं, सुरेंद्र जी से बात रखवाए हैं, तो आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू भाई।